अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मिक्स वेजीज रेसिपी बनाएंगे, यानी कि कई वेजिटेबल्स को मिलाकर हम एक रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खाने के लिए बहुत टेस्टी है। ये रेसिपी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लूज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और बहुत कम तेल में हम इसे तैयार किए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने कद्दू लिया है, ग्रीन पपैया लिया है, गाजर लिया है, पोटल लिया है, बैंगन लिया है, ककड़ी लिया है, केला लिया है, टमाटर लिया है, बीन्स लिया है और सभी को धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। गैस के फ्लेम को ऑन करके एक कुकर लेंगे। कुकर में एक गिलास पानी लेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और सारी जो हम वेजिटेबल्स धो के काट के रखे थे सभी को एक एक करके डाल देंगे। आप चाहें तो आपके मनपसंद का कोई भी सब्जी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद से तीखा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी सब्जी को डालने के बाद लास्ट में हमें बैंगन डालना है और टमाटर डालना है, क्योंकि बैंगन और टमाटर बहुत जल्द पक जाता है। सभी सब्जी को चम्मच की मदद से मिला लेंगे ताकि हल्दी और मिर्च सभी सब्जी में अच्छी तरह से कोट हो जाए। सभी सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन को लगा लेंगे और एक व्हिसिल दे देंगे। एक व्हिसिल के बाद कुकर से गैस को निकाल लेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अब कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। हमारा जो सब्जी है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसके लिए हम अब एक तड़के का तैयार करेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गरम करेंगे और 1 चम्मच पंचफूरन डालेंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, 1 कटी हुई प्याज डालेंगे और उसे ब्राउन होने तक भूनेंगे।
प्याज भुन चुका है, इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे एक मिनट तक भुनेंगे। एक मिनट बाद कुकर में जो बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स है उसे डाल देंगे। सभी को चम्मच के मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे और फिर से सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अब हमारा मिक्स वेजेज रेसिपी बनके तैयार है। इसे हम चावल, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हैं। बच्चे भी इसे अच्छी तरह से खा सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल ही तीखा नहीं है। और ये रेसिपी को जो पेशेंट हैं वो भी इसे खा सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें हमने ना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है ना ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है। जो मसाला घर में अवेलेबल है उसे हम इसमें इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।